Hi, welcome to Biologics once again and CSIR series 2020. तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने स्टार्ट किया था ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स, और ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड ऑल, राइट। इसके बाद हम इसके आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉइल वाटर से, ठीक है। सॉइल वाटर, तो सॉइल में जितना भी टोटल वाटर होता है, उस टोटल वाटर, टोटल सॉइल वाटर को आप क्या बोलते हो, उसको बोलोगे आप हॉलार्ड, ठीक है। अब सॉइल वाटर का कॉम्पोजिशन अगर आपको जानना है, ठीक है, कि सॉइल के अंदर जो वाटर होता है वो कितने टाइप का वाटर होता है, ठीक है, उनके नाम क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सॉइल वाटर जो होता है आपका मेनली फोर कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला जो है वो है आपका कैपिलरी वाटर, राइट, कैपिलरी वाटर। दूसरा जो है वो है आपका ग्रेविटेशनल वाटर, ओके। थर्ड जो है वो है आपका केमिकली बाउंड वाटर, राइट। और जो फोर्थ है आपका वो है आपका वाटर वेपर, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। तो चार कैटेगरीज में आपके सॉइल वाटर डिवाइडेड है। टोटल सॉइल वाटर को आप बोलते हो हॉलार्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको समझना ये है कि ये जो चार कैटेगरीज है वाटर की, इसमें से कौन सा फॉर्म ऑफ वाटर अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए और कौन सा नॉन अवेलेबल होता है, ये एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका जो ये कैपिलरी वाटर है ना, दिस वन दिस इज़ योर ओनली अवेलेबल वाटर, ठीक है। कैपिलरी वाटर इज द ओनली अवेलेबल वाटर, और ये जो बाकी के तीन हैं आपके ग्रेविटेशनल वाटर, केमिकली बाउंड वाटर और वाटर वेपर, ये हैं आपके नॉन अवेलेबल वाटर, ठीक है। अब ये जो अवेलेबल वाटर होता है ना, इनको आप बोलते हो इस टाइप के वाटर को आप बोलते हो क्रेशार्ड, ठीक है। और ये जो नॉन अवेलेबल वाटर होता है, इनको आप बोलते हो एकार्ड। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर हम एक इक्वेशन लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि हॉलार्ड इज इक्वल टू क्रेशार्ड प्लस एकार्ड, राइट। हॉलार्ड क्या हो गया आपका, ये तो हो गया आपका टोटल सॉइल वाटर, ठीक है। क्रेशार्ड हो गया आपका अवेलेबल वाटर, और एकार्ड हो गया आपका नॉन अवेलेबल वाटर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, राइट। अब चलते हैं इसके आगे और समझते हैं कि अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ रहा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, फील्ड कैपेसिटी, या इसको आप बोल सकते हो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है ये? तो ये होता है आपका टोटल कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड वाटर,
आफ्टर प्रिसिपिटेशन, ठीक है, सॉइल कितना वाटर होल्ड करके रख सकता है, ठीक है, वो उसकी होती है फील्ड कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पे किस डिपेंड करेगा कि मतलब ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ये सॉइल टू सॉइल वरी करती है, मतलब जिस टाइप का सॉइल होगा उसका उस तरीके का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि क्लेई सॉइल की, हम बात करें क्लेई सॉइल, ठीक है ना, तो क्लेई सॉइल की अगर हम बात करें तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, समझ रहे हो, आपको पता है। अब अगर हम बात करें सैंडी सॉइल की, रेत की अगर हम बात करें, तो आपको पता है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होगी, मिनिमम मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, नीचे समझ में आई है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिस सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होता है, जैसे कि क्ले सॉइल, तो उस टाइप के सॉइल्स को आप बोलते हो क्या, वैसे सॉइल्स को आप बोलते हो क्या, क्या बोलोगे, वाटर लॉग्ड सॉइल, ठीक है। कैसे सॉइल को, जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है, और एग्जांपल क्या है आपका क्ले सॉइल, तो उसको आप क्या बोलोगे, वाटर लॉग्ड सॉइल, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपका विल्टिंग, ठीक है, विल्टिंग, विल्टिंग का मतलब होता है एक तरीके से सूखा पड़ना, ठीक है, प्लांट का सूख जाना। तो यहाँ पे जो विल्टिंग होती है ना आपकी, वो आपकी दो तरीके से हो सकती है, ठीक है, कैसी कैसी, तो या तो पहला जो है टाइप ऑफ विल्टिंग, दैट इज टेम्प्ररी विल्टिंग, ठीक है, मतलब टेम्प्ररी विल्टिंग है, मतलब कुछ टाइम के लिए प्लांट सूखा है, ठीक है, या होगी आपकी परमानेंट विल्टिंग, ठीक है, समझ रहे हो। तो जो टेम्प्ररी विल्टिंग होती है ना, ये टेम्प्ररी होती है, मतलब कुछ टाइम के लिए प्लांट में सूखापन आ जाता है, और ये कब देखा जाता है कि ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम में जब धूप तेज होती है तो उस टाइम पे आपकी टेम्प्ररी विल्टिंग देख सकते हो आप प्लांट में, ठीक है, बट कंपनसेटेड ड्यूरिंग नाइट, बट रात होते ही या शाम होते ही वापस वो अपना बैक टू नॉर्मल हो जाता है। तो वो इस टाइप की जो विल्टिंग होती है ना, वो होती है आपकी टेम्प्ररी विल्टिंग, राइट। अब हम समझते हैं परमानेंट विल्टिंग, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से समझना। परमानेंट विल्टिंग जो आपकी होती है, ये आपकी दो तरीके से हो सकती है, ठीक है, ये जो आपकी परमानेंट विल्टिंग है ना, ये आपकी दो तरीके से हो सकती है। एक तब होगा जब आपका जो सॉइल है वो फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल, मतलब कि प्लांट ऐसे सॉइल में है जो सॉइल फिजियोलॉजिकली ड्राई है। फिजियोलॉजिकली ड्राई का मतलब क्या है कि उस सॉइल का जो वाटर पोटेंशियल है वो है नेगेटिव, समझ रहे हो इस चीज़ को। अब मैंने आपको रिकॉल करो, आप मैंने आपको बताया था कि जो वाटर पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम किसका होता है, प्योर वाटर का, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल है नेगेटिव, इसका मतलब जो सॉइल में जो वाटर अवेलेबल है वो इम्प्योर वाटर है, इसीलिए प्लांट उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहा है ना, इसलिए प्लांट में विल्टिंग हो गई है। तो ये विल्टिंग क्यों हुई, क्योंकि जो सॉइल थी वो फिजियोलॉजिकली ड्राई थी, क्यों, क्योंकि उसका जो वाटर पोटेंशियल था वो नेगेटिव था, मतलब वहाँ पे जो वाटर अवेलेबल है वो इम्प्योर वाटर है, उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, इसलिए प्लांट उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, इसलिए प्लांट में विल्टिंग हो जा रही है, ठीक है।
तो इसकी वजह से आपकी प्लांट में परमानेंट विल्टिंग हो जाती है क्योंकि सॉइल ही वैसा है, राइट। दूसरा जो है वो है आपका कि अगर आपका सॉइल फिजिकली ड्राई सॉइल, ठीक है, तो ये कब होता है, जब आपका ड्रॉट का कंडीशन हो, मतलब सूखे का कंडीशन हो जाए, ठीक है, अकाल जैसा बोलते हो ना आप, ड्रॉट कंडीशन, ठीक है। और तो क्या होता है, जैसे ये ज़्यादातर देखा जाता है आपका सैंडी सॉइल में, रेगिस्तान वगैरह में, तो वहाँ पे जो सॉइल होती है वो फिजिकली ड्राई होती है। तो या फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल हो या फिजिकली ड्राई सॉइल हो, इन दोनों की वजह से आपका प्लांट्स में क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग हो जाती है। चलिए अब हमारा मेन जो हमारा ट्रांसलोकेशन है प्लांट में वो स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो अब आपका जो चैप्टर था, एक्चुअल चैप्टर था जो ट्रांसलोकेशन इन प्लांट्स, वो शुरू होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी बेसिक चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है आपका एब्जॉर्प्शन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं काफ़ी स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा तेज़ पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे सेटिंग में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, इसलिए मैं स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ और उस स्ट्रक्चर के हेल्प से ही हम शुरुआत करेंगे इस पॉइंट की, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये है आपका, मैं जो यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ये है आपका फ्लोएम, ठीक है। उसके बाद ये है आपका जाइलम, ठीक है, राइट। उसके बाद फ्लोएम और जाइलम के सराउंडिंग में है आपका वस्कुलर बंडल, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपकी है पेरिसाइकिल, ठीक है, राइट, ओके। और यहाँ पे है आपका, ये है आपकी सेल्स, ठीक है, ये है आपकी सेल्स। उसके बाद इसके बाहर का जो आपका जो लेयर है वो है एंडोडर्मिस का, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये है आपका एंडोडर्मिस का लेयर, ओके, ठीक। उसके बाद जो आपकी लेयर है वो है आपकी एपिडर्मिस की लेयर, एपिडर्मिस, ठीक है, राइट, ओके। अब जो सबसे लास्ट में जो है वो है आपका क्यूटिकल, ओके, वो है आपका क्यूटिकल, ये है आपका क्यूटिकल,
एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी थोड़ा चेंज है। तो क्यूटिकल है और ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर ये ऐसे आएगा। अभी आपको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रक्चर ऐसा मैंने क्यों बनाया है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको जल्दी से नेमिंग कर देता हूँ इसकी, राइट। तो ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर से, ये वाला, ये है आपका फ्लोएम, ओके। उसके बाद ये जो आपका दिख रहा है, ये है आपका जाइलम, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका, ये जो आप है, ये है वैक्यूलर बंडल, ओके, है ना। और सबसे सेंटर में जो है ये है आपका पिथ, ओके। फिर ये जो है, ये है आपका एंडोडर्मिस, ओके, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये है कैस्पीरियन स्ट्रिप्स, राइट। ये जो है, ये वाली सेल्स, ये है आपकी एपिडर्मिस, ओके, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, एक मिनट, यहाँ पे भी सेल्स बना दूँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये है आपकी रूट हेयर्स, ठीक है, ये है आपके रूट हेयर्स। तो जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो आपका होता है रूट हेयर्स के थ्रू, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि क्या होता है कि जो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो एब्जॉर्प्शन सबसे पहले है ना, सबसे पहले जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है आपका रूट हेयर के थ्रू, ये मतलब यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है ना, यहाँ से कर रहा है। तो यहाँ से आपका वाटर को पहुँचना होता है कहाँ तक, जाइलम तक, है ना, यहाँ तक पहुँचना होता है वाटर को, ठीक। तो यहाँ से बाहर से वाटर जाइलम तक जब पहुँचता है वो दो तरीके से पहुँच सकता है, ठीक है, दो रास्तों से पहुँच सकता है। वो कौन कौन से रास्ते हैं, तो पहला रास्ता तो आपका जो होता है वो ये होता है, ये सेल्स को जो, ये जो आपकी सेल्स है ना एपिडर्मिस, इनको क्रॉस करते हुए पहुंचता है, ठीक है। मतलब एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में, तीसरे से चौथे सेल में, ऐसे करते करते पहुंचता है, ठीक है। फिर आपका पहुंचता है ये एंडोडर्मिस के पास, ओके, और फिर ये आपका एंटर करता है जाइलम में। तो ये जो सेल के थ्रू क्रॉस कर करके पहुँचा है ये आपका जाइलम तक, इस टाइप के पाथवे को आपका बोला जाता है सिम्प्लास्टिक पाथवे, राइट, समझ में आ रहा है। और जो दूसरा पाथवे होता है वो कैसा होता है कि ये सेल्स के अंदर नहीं जाता, ये वाटर सेल के बाहर बाहर जाता है, ठीक है, सेल के बाहर बाहर जाता है, ओके, और फिर क्रॉस करके पहुंचता है जाइलम तक। तो ये जो पाथवे होता है आपका, ये होता है आपका इस टाइप का पाथवे जो कहलाता है आपका, कहलाता है एपोप्लास्टिक पाथवे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि जो वाटर का जो मूवमेंट होता है जाइलम तक, जो वाटर पहुंचता है, ठीक है, रूट हेयर्स के थ्रू, वो दो तरीके से पहुंच सकता है, या तो सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू या एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू, ठीक है। सो इनसाइड द सॉइल वाटर मूव्स इन बल्क। अब देखो क्या होता है कि वाटर
वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स थ्रू द रूट हेयर्स, ये तो मैंने आपको बता दिया है ना। और रूट हेयर्स क्या होती हैं? रूट हेयर्स आर द आउट ग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर से, ये सारी क्या है? एपिडर्मल सेल्स। इनकी आउट ग्रोथ को ही रूट हेयर्स बोला जाता है, ठीक है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? रूट ग्रोथ, रूट हेयर से। फिर फ्रॉम द रूट हेयर वाटर मूव्स थ्रू आउट द रूट कॉर्टेक्स टू द जाइलम सिस्टम वाया एंडोडर्मिस, दिस इज एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के थ्रू वो पहुंचता है कहाँ तक? जाइलम के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट पाथवेज, दैट इज सिम्प्लास्टिक पाथवे एंड एपोप्लास्टिक पाथवे। ये चीज़ आपको समझ में आई है ना। तो अब हम एक एक करके एपोप्लास्टिक पाथवे के बारे में पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे सिम्प्लास्टिक पाथवे के बारे में, है ना। तो चलिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपका, आपको जो जो पॉइंट मैं बोलूँगा वो आप नोट करते जाइए। तो पहले है आपका, सबसे पहले एपोप्लास्टिक पाथवे, ठीक है, एपोप्लास्टिक पाथवे। तो इस पाथवे में जो वाटर का मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? वाटर मूवमेंट अकर एक्सक्लूसिवली थ्रू द सेल वॉल, बट सेल वॉल के बाहर बाहर से, ठीक है, ठीक है, थ्रू द सेल वॉल बट विदाउट क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, सेल के अंदर नहीं जाता, ठीक है ना। सेल वॉल के थ्रू मतलब सेल वॉल के साइड साइड से ही जाता है लेकिन सेल के अंदर क्रॉस करके नहीं जाता। तो इसको बोलते हो आप एपोप्लास्टिक पाथवे। इस पाथवे को आप एक और नाम से बोल सकते हो, दैट इज नॉन लिविंग पाथवे, ठीक है, है ना। और एक चीज़ और याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस पाथवे इज द लीस्ट रजिस्टेंस पाथवे, ठीक है, एंड देयर फोर रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज हायर। तो ये किसकी बात हो रही थी? एपोप्लास्टिक पाथवे की। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा सिम्प्लास्टिक पाथवे, ठीक है, सिम्प्लास्टिक पाथवे। ओके, सेकेंड इज सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो सिम्प्लास्टिक पाथवे के बारे में आपको पता है इसमें मूवमेंट कैसा होता है वाटर का? फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, है ना। वाटर मूवमेंट अकर थ्रू वन सेल टू अनदर सेल, मतलब डायरेक्टली एक सेल से दूसरे सेल में वाटर एंटर करता है ना। किसके थ्रू? थ्रू प्लास्मो डेस्मेटा। ये चीज़ आप याद रखना है ना, एक सेल से दूसरे सेल में एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ प्लास्मो डेस्मेटा, मतलब यहाँ पे प्लास्मो डेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर का, तो यहाँ पे ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे में। और क्योंकि यहाँ पे एक सेल से दूसरे सेल में जाना होता है इसलिए
यहाँ पे रेजिस्टेंट बहुत होता है, रेजिस्टेंस बहुत होता है, इसलिए ये पाथवे जो होता है आपका मोस्ट रेजिस्टेंस पाथवे होता है, ठीक है। एंड देयरफॉर द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज स्लोअर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे, है ना। अब क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा ऊपर कि बीच में एक आ रही थी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स डायग्राम, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो यहाँ पे आपका आ रहा था कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, है ना। ये देखिए, ये जो है आपकी क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है ना, ये आपके एपोप्लास्टिक पाथवे को रोक देती है, ठीक है। दीज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ब्रेक द कॉन्टीन्यूटी ऑफ एपोप्लास्टिक वाटर मूवमेंट पाथवे, इसकी कॉन्टीन्यूटी को ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये एपोप्लास्टिक रहता है, यहाँ इस जगह तक, लेकिन यहाँ के बाद ये भी सिम्प्लास्टिक पाथवे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या करती है, एपोप्लास्टिक पाथवे की कॉन्टीन्यूटी को ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है ना, ये एक्ट करती है एज ए नेचुरल फिल्टर, या आप बोल सकते हो नेचुरल बैरियर, दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अनवांटेड मटीरियल, है ना। अब देखो यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि अगर सेल के बाहर बाहर से कोई चीज़ जा रही है तो प्लांट सेल को ये भी तो लग सकता है कि ये एक अनवांटेड मटेरियल हो सकता है, इसलिए सेल को क्रॉस नहीं कर पा रहा, है ना। तो इसीलिए ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है, ये एज ए नेचुरल फिल्टर या नेचुरल बैरियर एक्ट करती है। अगर जैसे कि अगर यहाँ पे कोई अनवांटेड मटेरियल यहाँ तक आया होता तो ये इस सेल को, ये जो आपका जो ये एंडोडर्मिस है, इसको क्रॉस ही नहीं कर पाता और यहीं रुक जाता। लेकिन अगर ये सच ये वाटर है तो ये क्या करेगा, इस वाले सेल को क्रॉस करके जाइलम तक पहुंच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये सिम्प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है वो एक्ट करती है एज ए नेचुरल फिल्टर या नेचुरल बैरियर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। और आपको एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के, ठीक है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। एक तो ये आपका नेचुरल फिल्टर है, दूसरा ये जो होता है इसका जो नेचर होता है ये वैक्सी नेचर में की होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वैक्सी नेचर, ठीक है, मतलब हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, इसलिए ये यहाँ पे वाटर की कॉन्टीन्यूटी को ब्रेक कर देती है, ठीक है, राइट, दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है कैस्पेरियन स्ट्रिप का। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि एपोप्लास्टिक पाथवे कैसा होता है, सिम्प्लास्टिक पाथवे कैसा होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे अब और डिस्कस करेंगे कि जो वाटर फ्लो पाथवे होता है, मतलब वाटर का जो मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, दो पाथवे के थ्रू, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे, लेकिन ये अल्टीमेटली कहाँ पहुँचता है, जाइलम के पास, ठीक है, जाइलम के पास पहुंचता है। तो अब हम किसकी बात करेंगे, जाइलम की, ठीक। तो जाइलम का जो कॉम्पोजिशन होता है, जाइलम, ठीक है, जाइलम का जो कॉम्पोजिशन होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जाइलम होता है वो आपका मिलके बना होता है चार चीज़ों से, ठीक है। तो जो पहला होता है ना वो होता है आपका ट्रैकेट्स, ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है आपका वेजल्स, थर्ड जो होता है वो होता है आपका पैरेन काइमा, और फोर्थ जो होता है वो होता है आपका फाइबर, ठीक है, राइट। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, हम ज़्यादा मतलब मेनली हम दो ट्रैकेट्स और वेजल्स की बात करेंगे, तो जो ट्रैकेट का स्ट्रक्चर होता है ना वो आपका कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का, ठीक है,
ऐसा, ठीक है। और जो आपका वेजल्स का स्ट्रक्चर होता है ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा। आपको दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा, है ना। तो क्या होता है कि इसका जो डायामीटर होता है, वो ज़्यादा होता है, लार्ज डायामीटर, लार्ज होता है ना, लार्ज डायामीटर, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स के कंपैरिजन में वेजल्स का डायामीटर ज़्यादा होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो, देखो, पहले जो प्लांट्स थे वो किस टाइप के थे। वो प्लांट्स जो पहले आए थे वो आए थे जिम्नोस्पर्म, ठीक है। पहले जो प्लांट्स आए थे वो कौन से आए थे, जिम्नो स्पर्म्स, ठीक है। और जब ये इवॉल्व हुए, किस में इवॉल्व हुए, एनजियो स्पर्म्स में। तो जो एनजियो स्पर्म्स है वो मोर इवॉल्व्ड प्लांट्स हैं, है ना, क्योंकि इनमें फ्लावरिंग भी होती है, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हो ना इनको, तो ये ज़्यादा इवॉल्व प्लांट्स हैं। तो जब ये इवॉल्व हुए तो इन्होंने क्या किया, अपना वाटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी इवॉल्व किया, जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होना है, उस मशीनरी को भी इवॉल्व किया, बेहतर बनाया, है ना। तो जो ट्रैकेट्स होते हैं ना, ये ट्रैकेट्स मिलते हैं आपको, फाउंड इन, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, ये ट्रैकेट्स आपके मिलते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। और इनके जो इसका जो डायमीटर होता है ना वो काफ़ी कम होता है। ये चीज़ें आप नोट करते जाना अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। इनका डायमीटर काफ़ी कम होता है, ठीक है, इसलिए इसमें वाटर का ट्रांसलोकेशन उतना बेहतर नहीं होता जितना कि होता है आपका वेजल्स के थ्रू। और ये वेजल्स जो होते हैं ये आपके कहाँ, किस में मिलते हैं, दीज वेजल्स आर फाउंड इन, सॉरी, फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, और ट्रैकेट्स आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म क्या है, मोर इवॉल्व प्लांट है, तो उसने क्या किया, अपना वाटर ट्रांसपोर्ट मशीनरी को बेहतर बनाया, है ना, और ट्रैकेट से इवॉल्व हुआ वेजल्स में, वेजल्स का डायमीटर ज़्यादा था तो वाटर ईजिली ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ट्रैकेट्स आर वेल अडेप्टेड फॉर वाटर कंडक्शन, नो डाउट, बट दे आर लेस इवॉल्व देन द वेजल्स, ठीक है। एंड ट्रैकेट्स आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स वाइल वेजल्स आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। वेजल्स आर मोर इवॉल्व देन द ट्रैकेट्स एंड मोर मोर बेटर, है ना, मोर बेटर फॉर वाटर कंडक्शन एज कम्पेयर टू ट्रैकेट्स, बिकॉज इट हैज़ हाई ल्यूमिन डायमीटर एज वेल एज द वॉल इज पोरस। मतलब इसके जो वॉल्स हैं ये हाईली पोरस होते हैं, तो वाटर ईजिली एंटर कर सकता है वेजल्स में और ईजिली बाहर जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो ट्रैकेट्स हैं उसके जो एंड्स हैं वो पोरस नहीं है, वो ब्लंट एंड्स हैं, ब्लंट एंड और सील्ड एंड, इसमें ट्रैकेट्स में। तो ये चीज़ आप अपने कॉपी में नोट कर लेना, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था आपका ट्रैकेट्स और वेजल्स के बारे में, राइट। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पैरेन्काइमा के बारे में, कि पैरेन्काइमा का काम क्या होता है। तो कुछ नहीं, पैरेन्काइमा का काम होता है, दीज पैरेन्काइमा आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज ऑफ व्हाट, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड इन्वॉल्व इन वाटर कंडक्टेंस। बट मेनली जो इनका रोल होता है वो होता है किसका, स्टोरेज का, किसका, पैरेन्काइमा का, ठीक है। और ये जो आपके फाइबर्स होते हैं ना, ये जो फाइबर्स होते हैं ये इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है, दीज फाइबर प्रोवाइड्स व्हाट, मैकेनिकल सपोर्ट। फाइबर क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और दे दीज फाइबर्स आर फाउंड बिटवीन ट्रैकेट्स एंड वेजल्स, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, राइट। और वो भी ट्रैकेट्स और वेजल्स का जो डिफरेंस मैंने आपको बताया है वो आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए,
ठीक है। तो ये था आपका क्या, ये था आपका कि आपका वाटर का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, राइट, है ना। तो इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे फूड का कैसे ट्रांसलोकेशन होता है, ठीक है, दैट इज फ्लोएम पाथवे, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।